नमस्कार दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी अपने न्यू ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना रही है और लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट अपने हाई रिकॉर्ड पे है तो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत पैसे बना रहे होंगे, जबकि रियलिटी ये है कि हमारे सारे स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? जैसा कि आपने देखा होगा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पे 11,278 पे है, वहीं सेंसेक्स 37,336 पे पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो जो मिड कैप स्टॉक्स है या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स है सभी अपने हाई रिकॉर्ड से जो कि जनवरी का प्राइस है उससे काफ़ी नीचे है। अगर आप देखें तो सेंसेक्स इस ईयर में 6.7% का रिटर्न दे चुकी है अब तक, लेकिन अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप को देखें तो अपने हाई से मोर देन 15% नीचे है। और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप ही नहीं, निफ्टी के भी बाकी शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जो कि अपने 52 वीक लो के आसपास हैं, लेकिन सिर्फ 7 स्टॉक के बदौलत निफ्टी और सेंसेक्स एक न्यू हाई बना रही है। ये कौन से 7 कंपनियां हैं जिसके सपोर्ट से निफ्टी और सेंसेक्स अपना न्यू रिकॉर्ड हाई बना रही है? तो ये कंपनियाँ हैं HRITHIK, HRITHIK मीन्स HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HUL, इंडसलैंड, कोटक महिंद्रा बैंक। ये 7 कंपनियों के भरोसे सेंसेक्स और निफ्टी अपने न्यू रिकॉर्ड हाई पे हैं। और किसी ने ट्वीट किया है कि जहां HRITHIK है वहां रोशन भी तो है, मीन्स 6 ऐसे भी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही नीचे हैं। तो है ना ये मजाक, सिर्फ 7 कंपनियों से सेंसेक्स निफ्टी पहुँच गए हैं अपने नए शिखर पर, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी नीचे हैं। दोस्तों, क्या आप इंडिया में रह कर गूगल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको गूगल या फेसबुक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कैसे करना है। तो मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि गूगल किस नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, गूगल किस नाम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और अपना आंसर नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। और वेट कीजिए हमारे आने वाले वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया से गूगल और फेसबुक जैसे बड़ी कंपनियों में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो में और क्या अच्छा चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आगे वाला आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूं, अच्छे वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मिलेगा मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।